थोड़ी सी खराब भी लग रही है, तुम्हारा लाइनर टेढ़ा है और बेस फटी हुई लग रही है थोड़ी सी। बेचारी का मुंह बन गया। कोई नहीं यार, देख के रहा यार, मजा आ रहा है। दाने दाने लग रहे हैं। इसे मेरी कोई गलती नहीं है कि आज तुम अच्छी नहीं लग रही हो, ठीक है ना? कहाँ गया? अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो जल्दी से, क्योंकि नए साल में मुझे खुशी चाहिए। जब मेरे 1 मिलियन होंगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं अरेंज करूंगी, सो वेट एंड वॉच, बट जल्दी से पहले सब्सक्राइबर्स कर दो। खैर, आज है हमारी एक रिलेटिव की शादी, ठीक है? आज मेहंदी का इवेंट है तो हम सब वहाँ पर जा रहे हैं। अभी आपकी शादी खत्म हुई है, तुम नई शादियाँ आ गई हैं। खैर कोई नहीं, शादियाँ तो फन होते हैं, तो अभी सबको आपको दिखाते हैं, सब रेडी वगैरह हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने 1 घंटे तक निकलना है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना शादी में थोड़ा सा प्रैंक किया जाए। तो आज मैं सोचा कि मैं ज़ैनब को बहुत तंग करने वाली हूँ, मैं सबको अपने साथ मिलाऊंगी और आज मैं पूरा दिन ज़ैनब को अननॉय करना है, उसको थोड़ा सा ना उस तरह फील करवाना है कि तुम्हारा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर जगह उसको मैंने टीज़ करना है। तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है, वो रोती है कि नहीं रोती, पता नहीं। तो मैं सबको अपने साथ मिला लेती हूँ, इवन पापा को भी, सबको मिला लूंगी, सो लेट्स गो। और ये मैंने मेकअप बैग पकड़ लिया है, जिसे जाके मेकअप करती हूँ। और इधर हिराप भी अपना बताने क्या ट्यूटोरियल शूट कर रही है और मेकअप कर रही है। हिराप भी, मैंने ना आपको एक बात बतानी है, आज हमने ना पूरा दिन ज़ैनब को तंग करना है, उसको जब नीचे जब आप आओगी ना, आपने कहना है कि ज़ैनब तुम अच्छी नहीं लग रही, और ये भी कहना तुम्हारा अच्छी लगी ड्रेस के ज़ैनब, तो स्किन को क्या हुआ इस तरह का, उसको पूरा दिन हमें तंग करना है, ठीक है? डन। और उसको रुलाना है एंड पे, वो रो के बेचारी का मेकअप खराब हो जाएगा। जब रोने लगेगी मैं बता दूंगी कि प्रैंक है, ठीक है? चलो 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 हेलो जी मम्मा, देखो तो इधर फुल बाल स्ट्रेट करके फुल वो मेकअप दिखाया, अपना अभी नहीं सही हुआ ना, अभी लिपस्टिक लगानी है आपने। खैर जो बात है वो मैंने मम्मा को तो बता दी हुई है ऑलरेडी, तो मम्मा को हमें बताने की जरूरत नहीं है, मम्मा ऑलरेडी आगा है कि हमने शादी पे जाना है और आज हमने जाके प्रैंक करने हैं शादी पे, लाइक डिफरेंट चैलेंजेस करने हैं हमने। और इधर जो है ना माशाल्लाह से ज़ैनब रेडी हो रही है, दिखाओ जरा ये क्या कर रही हो? तो किया ही नहीं है मेकअप। तुम्हारे डार्क सर्कल्स कितने दिख रहे हैं? हाँ बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो गाइस ये ज़ैनब का ड्रेस है, ना तुम्हारे ड्रेस का ना कलर नहीं अच्छा, तुम पहन लो मेरा, मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाती हूँ, रुक जा जरा, मुझसे भी गंदा ड्रेस है, ये दिखाओ जरा, मुझे लग रहा था हाँ ज्यादा पड़े, तुम रात को ज्यादा सोती हो ना, सोती नहीं मेरा मतलब ज़्यादा जागती हो ना। ये जो है ना ये मेरा ड्रेस है, ये ब्लू कलर की मेरी फ्रॉक है, ये दाग भी है बट हम इसको छुपा लेंगे। और ये देखो यार ज़ैनब ने इधर सारा मेकअप जोड़ा हुआ है, क्या तुमने गंदगी जोड़ी हुई है सारी, मैं देखो इतना अच्छा फ्रेश मेकअप लेकर आई, मैंने मेकअप जोड़ा था कि तुम भी आके करोगी, मतलब मेरे से देख देख के कर रहा तूने मेकअप, फिर भी मेरे जैसी तो नहीं लग रही। हाँ मैंने मेकअप जोड़ा है क्योंकि क्या लोकल प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, ये वाली मेरी वाली सही वाली करो, आगे तुम्हारी स्किन खराब लग रही मेरे, हैं ये लोकल तो नहीं है, लोकल है। हमने अपने मुंह पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगा रही है, अब मेकअप स्टार्ट करते हैं। इधर ये ज़ैनब भी मेकअप कर रही है, दिखा रहा था इधर, अभी तो लगा रही है। इसका मेकअप का तरीका ही गंदा, एक तो इसका आज का ड्रेस ही फुल औरतों वाला आंटियों वाला है, वो नहीं होते 1.5 साल बूढ़ी आंटियाँ नहीं जो पहनती है, देखा है कभी ड्रेस? नहीं ज़ैनब के बाद ना थोड़ा तो बूढ़ों वाला लग रहा है ड्रेस, बट क्या देखते ज़ैनब उसको कैसे कैरी करती है। ओके गाइस अभी हमने अपनी से बेस लगा ली है, ठीक है? कौन सा बड़ा बड़ा नहीं? हाँ मुझे भी इसका ही, मुझे भी लग रहा है सूट ना थोड़ा बड़ा और औरतों वाला टाइम पहन के देखा था एक दफा। हाँ। तुझे हल्के कितने पड़े हुए हैं, ये क्या कर रही हो, नीचे ब्लश क्यों लगा रही हो, पागल हो? लोग लगाते हैं नहीं, ये रातों को जानती है ना, स्लीप ओवर करती थी। हाँ। इसलिए हल्के पड़े हुए हैं ज्यादा, ये देखो तुम भी पागल हो और शो कर रही हो अपनी ब्यूटी ने, ऐसे ऐसे करते हैं टाइम पे, ये सूट ना किया तो क्या करोगी, कट जाएगा मम्मा, कट जाएगा, लेट हो रही है, मेकअप करो मम्मा ने कल मुझे निकाल के दिया ये ड्रेस, एक मिनट खुद चूज किया, झूठी खुद चूज किया ही नहीं, मैं तो लेके बैठी थी, मैंने ये पहना ला कि ये, मैंने आपकी को भी कहा था इतने बड़ो, तुमने जाना दूसरा क्यों नहीं पहना, ग्रीन फ्रॉक जो थी तुमने तो निकाल के। ओके यार सो हमारी बेस लग चुकी है, आगे देखते हैं। ओके गाइस सो फाइनली मेरा मेकअप जो है वो डन हो गया है, आज मैंने थोड़ी आंखों पे ब्लू किया क्योंकि मेरा ड्रेस ब्लू था और फुल मैंने मुझे यार अपना मेकअप पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। ज़ैनब अपना मेकअप दिखाओ आप, तुम्हारे बाल ऊपर तुम्हारे ज़ैनब जैसे लग रहे हैं, वो ज़ैनब के पापा, ये देखो कैमरा में ना एक बात थोड़ी सी खराब भी लग रही, तुम्हारा लाइनर टेढ़ा है, कोई इधर मुड़ो और बेस फटी हुई लग रही है थोड़ी सी, अपनी आंखें बेस देख के, एक मिनट एक मिनट छोड़ो, अपना मेकअप देखा सस्ता लग रहा है, मेरा सस्ता लग रहा है मेकअप, अपना दिखाओ ये देखो
तुमसे तो प्यारा ही लग रहा है। इधर नहीं 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 इधर देखो, ये देखो यहाँ यहाँ पे ना थोड़ी बेस्ट ठीक है। वाह अम्मा तो बहुत प्यारी लग रही है। कपड़े शपड़े पहनो फिर देखते हैं फाइनल लुक क्या निकलती है। बट जैनब सीरियसली थोड़ा सा ब्लश कम करो, ब्लश नहीं ठीक थोड़ी सी लिपस्टिक। नहीं नहीं मैं बता दूँ सब ठीक है, लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट है, लिपस्टिक बहुत डार्क हो रही है। ब्लश कम है, ब्लश ठीक है मम्मा, लिपस्टिक थोड़ी तेज लग रही है देखें। नहीं लिपस्टिक थोड़ी सी तेज लग रही है बस। मम्मा आप बहुत फेक कर रही हैं, थोड़ा सा रियल रखें आप, आपका फेक लगा उसको पता लग जाएगा। थोड़ा रियल रखें बेचारी को, इतना करोगे तो कोई नहीं कोई बात नहीं मम्मा, रुलाना ही तो है, तरसाने लग जाता है तुम इतना ज्यादा। आप एक बंदा आगे दिल में कहना कि जाना इधर आओ, ये ऐसे सीरियस हो गए आप बालों को हल्का फुल्का कर्ल डाला है। इधर झुमके वगैरह पहनती हूँ, मुझे ना अपने बालों में कुछ समझ नहीं आ रही है। इधर ये पता नहीं क्या अपने बालों को रेड बालों को कर दिया, और हेरा पे भी मुझे भी कर्ल डालने से ना मुझे भी स्ट्रेटनर बाले यूज तो कर लूँ मैं। और इधर हेरा पे किसने लाइट में रोशनी में देखा, मैंने इसको कहा है, मैंने इसको कहा है इतनी गंदी स्किन नहीं तुम्हारी, देखो दाने दाने लग रहे हैं। आपका देखा है आपके भी तो आ रहे हैं मुंह पे, कोई मर्जी है मैं जो तुम्हारे लिए बता रही हूँ, तुम मेरे पे आ जाओ। ये गाइस मेरा पूरा व्लॉग का खराब कर दिया तुम लोगों ने, बहुत बातें करो ये। हाँ, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी। मम्मा को देखा थोड़ी चंचली बनी हुई है और पता नहीं किससे बातें कर रही है। खैर मेरे यार झुमके वगैरह दो मुझे, मैंने रेडी होना है। तो ये सारी गर्ल्स रेडी हो गई हैं, जाना अपने कर लो थोड़ी सी ठीक, व्लॉग में बड़ी आ रही है। हिरापी के बालों का कलर अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है, साइड मांग कर रही है इस दफा। अच्छे लग रहे कि नहीं? हाँ अच्छे लग रहे हैं। मुझे थोड़ा सजेस्ट कर दो, मैं हमेशा सेंटर से मांग निकालती हूँ। मैंने भी इसीलिए इस दफा ना थोड़ा डिफरेंट, मैंने इस दफा कुछ इस टाइप का स्टाइल कर लेती हूँ, या फिर मैं सोचू पोनी कर लूँ आगे से। वो नहीं यार न्यू ईयर पे वही किया था। ये हिरापी को लग रहा है कि आज वो भी अच्छी नहीं लग रही, सॉरी सॉरी। हाँ जी मेरे झुमके पापा कोई ले गया, फातिमा तो नहीं ले गई पता नहीं, ले गया ऊपर से डब्बा, मेरा झुमको वाला डब्बा ढूंढ के लाओ जल्दी से। हाँ मैं देख आती हूँ। एक तो जो मैंने अपने झुमके सिलेक्ट किए हैं वही घूम गए हैं। हम दोनों बहुत अच्छी सिम तैयार हो चुकी हैं, ये लो दिखाए। शुक्र है मिल गए, मेरा सही बता ना, अच्छा तैयार हुई आप। हाँ अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दिखाए। अच्छी कौन सी वाली? अच्छी प्यारी वाली, वो वाली प्यारी वाली अच्छी। तो यार मैंने अपने बाल कुछ इस तरह के कर लिए हैं, ड्रेस को कुछ इतना कैरी कर लिया। हाँ जी देखो नहीं ना प्यारी लग रही, दिखाएं दिखाओ इधर देखो, सही तो लग, अच्छी लग रही है इतनी मेरी, मतलब मुझे कुछ कमी लग रही है, कुछ अच्छी लग रही है। गले में कुछ पहन लो, गले में कुछ पहन लो। किसने तो ड्रेस ये पहनो, क्या ये इतना गंदा ड्रेस पहन, इतना प्यारा आप ही ने भी पहना था। लेकिन नहीं अच्छा सूट कर रहा, वो तो आप ही बड़ी थी, आप ही को सूट कर रहा था। क्या तुम लोगों को थोड़ा सा गले में कुछ पहन लो, थोड़ा सा तुम चुप रहो। ले मैं जो मैं नहीं दे रही, हर दफा मेरे पे आ जाता मैं नहीं। गाइस जैनब बहुत प्यारी लग रही है सीरियसली, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा करना, बट कोई बात नहीं करना पड़ा बेचारी का मूड। लिटरली वो बार बार अपने आप को, ओहो मुझे लग रहा है मैं बुरी लग रही हूँ, वो बार बार अपने आप को शीशे में देखती जा रही है, देखती जा रही है। मुझे पहले अपने कपड़े सेट कर लूँ। ओके यार फाइनली मैं तो रेडी हो गई हूँ, मुझे ना बस अपना दुपट्टा साथ अच्छा नहीं लग रहा, पूछती हूँ इनसे। फातिमा मैं ना एक प्रैंक कर रही हूँ जैनब के साथ, बहुत रियल है ठीक है। नीचे जाके ना तुमने उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट में पूछेगी ना मैं कैसी लग रही हूँ, तुमने कहा ना नहीं जैनब नहीं अच्छी लग रही, इस तरह का कुछ करना है ठीक है ना, बिल्कुल रियल लगना चाहिए ठीक है। उसको बाद में बता, जैसे ही वो थोड़ा सैड ज्यादा हो लगे उसको बता देंगे, हमने आज पूरा दिन उसको हमने तंग ही करना है। चलो और ये लड़की इधर फुल टिकटॉक बनाने में लगी हुई है, क्या जाने जल्दी कर लो यार, वो खुद टिकटॉक बनाने में लगी। मेरे हेयर स्प्रे दो इधर, इसकी टिकटॉक पीछे दुपट्टा यहाँ से खराब है, ठीक करो। क्या फुल खराब किया हुआ है, देखो तो सही भाई उल्टा लगाया हुआ तुमने दुपट्टा। ये हिरापी अपनी वीडियोस बना रही है, मेरे पापा बहुत जोर खरोश से बुला रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। और ये फातिमा रेडिश बन के आ गई है गाजर की तरह। फातिमा बताओ जैनब का ड्रेस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं अच्छा नहीं लग रहा। फातिमा भी यही कह रही है, सब ने कहा भी चेंज कर लो, ये चेंज भी नहीं कर रही है। पापा गुस्सा कर निकलो 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 निकलो, पापा तो फुल सूट बूट में हैंडसम हीरो बने।
पापा जी मैंने आपसे एक बात करनी है। डिजाइनर नीचे आएगी ना तो आपने उसको कहना है कि अच्छी नहीं लग रही हो, पूछेगा ना ये क्या पहना हुआ है, आपके नहीं कपड़े अच्छे लग रहे, ऐसा आपने सीरियस होकर फुल कहना है, ठीक है? उसको आज हम तंग कर रहे हैं सारे, ठीक है? डन। जैनब आप मेरी लुक दिखाओगी? दिस इज माय पहले, बहुत गंदी लग रही हो, ये देखो जरा इसको, सबने आज बोला ना मैं सच बोल रही हूँ, तुम पे कलर ही नहीं प्यार लग रहा है, अच्छा एकदम क्यूट लग रही हो, ये चीज मुझे पे है, मैं सच कह रही हूँ, बाल भी चीप जैसा लग रहे हैं। खैर ये हमारे पास येलो, मैं शक्ल भी प्यारी नहीं, चुप कर जाओ जैनब, ज्यादा अब तुम ना बोलो मत, ठीक है ना? इसको मुझे लगता है कि ना सच में तुम पे ऐसे बाल नहीं पसंद है। जी जी जी, आज ना जैनब की किसी ने तारीफ नहीं की है तो आज ये सबकी बुराइयां करती फिर रही है, मेरी कोई गलती नहीं है कि आज तुम अच्छी नहीं लग रही हो, ठीक है ना? मेरे दिल ने तारीफ किया तो बस इतना, हाँ तो ऐसे ही मेरे भी दिल ने तारीफ किया तो मैं, यार मैं लिपस्टिक साथ रख लिया, वहाँ पे जाके लिपस्टिक की जरूरत पड़ती है, ये सारी गर्ल्स जो है इधर रेडी होके बैठ गई हैं और अब निकलते, टाइम देखो 8 बज गए, निकलो यार जल्दी निकलो, पापा किधर है, जल्दी निकलो, आ गए पापा जी, पापा जी अभी सब आप लेट करवा रहे हैं, चलो निकलो, जैनब ने क्या पहना हुआ सुबह से, तो सारी यही कह रहे इसका ड्रेस भी अच्छा लग रहा, इतना प्यारा लग रहा, मेरे दिल ने कहा तो बस नहीं अच्छा लग रहा जैनब, आप पापा पापा जनरल बताएंगे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, सारे सही थे, और जन्म देखो क्या फूल बन गया, अब पता फूल बन, अब पता चला हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे, ले गुस्से में चली गई है, इधर तो आओ मम्मा, मुझे लग रहा है हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं गाइस, इतना नहीं करना था, अब पापा जी मेरी बात सुन ले, हमारी प्लानिंग है, अब आपने गाड़ी में जैनब को ना बात बात पे डांटना है, ठीक है ना? बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं उसको, तो आपने कहना चुप कर, गुस्से से डांटना आपने उसको, ठीक है? डन मम्मा, आपने भी, मैं भी गुस्से से डांटूंगी, ये ना आज जैनब रो पड़ेगी, कोई बात नहीं, इस तरीके एक दिन रबिया पे भी करना है, नहीं अभी भी वो गुस्से में गई है, इसका मूड ऑलरेडी खराब हो गया, कोई बात नहीं, खैर निकलते हैं अब, चलो यार निकलो, लेट हो रहा है, जल्दी करो, ये देखो पर ही इसको सेल्फी लेने की पड़ी हुई है, चलो लेट हो रहा है, चलो इसको भी डांटे जो कैमरा पकड़, मैं तो कुछ ऐसा ऐसा करती नहीं, इससे मुझे डांट पड़े जाने पे, यार डांट पड़ेगी सर, आप बैठो जल्दी, चलो यार बैठो, तुम्हें क्या पता है, साइड पे हीरा पीने बैठो, बैठो अंदर, चलो बैठो अंदर, चलो मेरे से बहस नहीं करनी, चलो अंदर बैठो, चलो पापा जी जाने भी तो अंदर नहीं बैठ रही, हीरा पे इसको कौन ना बैठे, अंदर नहीं बैठ रही है यार, बैठो तो मेरे से बहस नहीं करो, मैं बड़ी बहन हूं, जल्दी 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 चलो, मैं मारो नहीं मुझे, जल्दी चलो पापा जी, जैनब बहस कर रही है, अपना इतना बड़ा गंदा खा गया, उठाओ पूरी जगह तो इसी ने ले लिया, मैं कहाँ बैठूं, इतना हैवी ड्रेस पहन लिया उसके लिए अब जगह नहीं बच रही, जगह नहीं बच रही, जोर से बहुत, तो अभी आप ही कहाँ बैठेगी मुझसे आगे, ज्यादा बहस, अब तुम लोग चुप करो, बहस हो रहे आ रहे हो, चुप करो, अब बैठे कैसे, जैनब आगे हो जाओ, आगे हो सारे इसके, जैनब आगे हो जाओ, और आगे हो, चलो यार जल्दी अंदर चलो, मैं अंदर जाके देख कर आती हूँ क्या माहौल है यार, ठंड बहुत है बट जो भी हो, हेलो गाइस, हेलो सारे छोटे छोटे बच्चे, यार ये बच्चों को तो मैं जानती हूँ, इनकी शादियों में पहले भी आई हूँ, मुझे याद आ गया, सारे मिल जुलाट रहे हैं, सारे मुझे बताओ जैनब कैसी लग रही है, कोई बात नहीं यार आज ऐसे ही काम चलाते हैं, मेरे पाँव का आधा स्ट्रेप ही नहीं, घूम गया यहाँ पे, जो इन्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह के, तुम्हें छोड़ गई है अब जैनब, यार जैनब उल्टा मेरे साथ प्रैंक करने पे आ गई है, मैं उसको क्या ही कहूँ, खैर एंड में देंगे इसका बहुत अच्छा प्रैंक, और ये यहाँ पे खाने हैं, जैनब मुझसे बाहर ना कर दो, तुमने मेरी पिक्चर नहीं लिया कट्टी, प्रॉमिस करो मेरी पिक्चर लोगी, मेरी पिक्चर नहीं ली तुमने, पहले खाना खा ले फिर बाकी काम करें, ये कह रही आज भी गिरोगी आप, हाँ लास्ट टाइम जब मैं गिरी थी ना शादी में आई थी और गिरी थी आकर, आज मैं सही हूँ, आज ही गिरी हूँ, उधर पिक्चर बनाने आज मेरी जूती टूट गई है, बनाओगी मेरी, इन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर्स बनाई है ना,
मुझे बताओ मेरा फेवरेट ब्लॉग कौन सा आप लोगों का? वो प्रैंक्स वाला मुझे बहुत प्रैंक्स आज भी मैं एक प्रैंक करी ये वाला ब्लॉग देखा इसके अंदर एक बहुत मजे का प्रैंक किया मैंने ज़ैनब के साथ ठीक है बच्चों ने मुझे एक नई जगह बताई है पिक्चर्स की हम इधर लेने जा रहे हैं आज आ जाओ ये बच्चा ऐसा लग रहा है सेठ लग रहा है कहीं जगह का तुम्हारी शॉल तो बहुत अच्छी है बच्चे बच्चों मैंने एक प्लानिंग करने लगी हूँ ठीक है तो मेरी हेल्प करोगे उसमें तुम लोगों ने मेरा फोन पकड़ना है मुझे एक और फोन चाहिए किसी के पास आईफोन है ठीक है डन तो मैंने ठीक है चलो बाय 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 अब मैं गाइस कहीं पे यहाँ पे छुप जाती हूँ वहाँ छुपूँ यार ठीक है यहाँ छुप जाती हूँ मैं और अब देखते हैं कि वो लोग का क्या रिएक्शन होता है थोड़ा सा प्रैंक तो करना चाहिए था यार यहाँ से कुछ माहौल ऐसा दिख रहा है पता नहीं ये लोग सारे बच्चे कहाँ चले गए हैं पता नहीं यार अभी तक प्रैंक हुआ है कि नहीं अंदर बैठी हुई है अभी रो भी नहीं थी पापा आज पापा के दोस्त की है ना तो पापा आज खुश है शादी में सबसे है ना पापा जी सबके साथ मैंने पिक्चर्स बना ली बस आपके साथ ही भाई मेरे साथ अच्छी सी सेल्फी लें लोग कहते हैं आपके पापा के साथ जो आपकी सबसे ज्यादा जिससे शक्ल में थी उन्हीं के साथ सेल्फी टाइम सबकी शक्लों से लग रहा है सब सिर्फ खाने का इस टाइम वेट करें कि बस खाना खोल दो और अब हम बस घरों को जाएं ऐलान कर दे शफीक है मुझे ऐलान भी कर दूं ना कि रोटी खुल गई है तो सबने उठ के भागना शुरू कर दिया बट अभी नहीं खुली है बट सब स्टिल वेट खाने की देखो फातिमा की शक्ल भी खाने का वेट वाली लग रही है तो सबसे गुजारिश है कि खाना लग चुका है सब साथ वाले हॉल में प्लीज चले जाइए सबसे गुजारिश है खाना लग चुका है और आप भी लग जाएं खाने पे उठ जो खाना लग गया गाइस जल्दी से आपसे गुजारिश है कि खाना लग चुका है साथ वाले टेबल पे चले जाएं सॉरी साथ वाले हॉल में चलो आ जाओ गाइस अलग हॉल में जाना है खाने के लिए ये भी सही है खाने का अलग हॉल है देखना जरा फातिमा चलाक ऑलरेडी पहुंची हुई है खाने वाली जगह पर तो फातिमा पहले पहुंच जाती है चलाक और ये खाना शाना है सारा हेलो 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 टिट्टू मामा फातिमा इनकी मैचिंग तुमसे कर रही है खुश हो जाओ उन्होंने फातिमा ने इनसे इंस्पायर होकर कपड़े पहने थे बाय अंकल इतने गंदे तरीके से अंकल ने मुझे इग्नोर मार रहा है खाई धुआं है मम्मा भी आई खाना डालते हैं अभी खाते हैं चलो यार मेरा सिर्फ मुझे एक ही चीज़ मेरी फेवरेट है बिरयानी तो मैं खाऊंगी बिरयानी बाकी इनको छोड़ो ये टिक्के शिक्के खाते हैं हम बिरयानी खाएंगे यार ये तो फुल घर की बिरयानी लग रही है अम्मा ये तो आज से भी मुझे अच्छी लग रही है नहीं नहीं मम्मा से अच्छी नहीं है बट अच्छी है बहुत मज़े की लग रही है मम्मा यहाँ पे देखो भटूरे टिक्के डाल रही है मैं तो बिरयानी खाऊंगी जी चलो यार मैंने तो अपनी मज़े की प्लेट बना ली है मम्मा बता रही मम्मा कुछ नाप फिराप डाली जा रही है चलो मम्मा चलें चलो चलो ये मेरी बहन है ये मेरी बहन है इसको तो मैंने इग्नोर करा था बट खैर मैंने माफ कर इसको बता देती हूँ जैन जो मैं तुम्हारे साथ करी थी ना प्रैंक करी थी बता दी मुझे पता लग गया था कि तुम्हारे हाथ में कैमरा इसलिए मैं बार बार बोल रही थी नहीं वरना तुम लोग बोलते मैं सच में रोने लग गया यार जैनब के साथ ये वाला प्रैंक ना मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा आइडियाज मैं फिर से करूँगी चलो भाई प्लेटें शेटें भर गई हैं चलो ये मैं अपना खाना डाली और पापा को देखो बैठे बिठाए यहाँ पे खाना मिला है वाह खुद लेके आए हैं अच्छा फिर ठीक है मुझे लगा पापा को बैठे बिठाए खाना मिल गया खाना खाते हैं
यार इस टाइम सब ने खाना वगैरह खा लिया और सब अब इस इंतजार में है कि बस अब उठे और घर चलें, क्योंकि अब किसी का कोई यहाँ पर रुकने का मकसद नहीं रहा। और पापा ने भी थोड़ी देर बात करें, चलो निकलते हैं आप। चलो नहीं सॉरी, मैं कवाली नाइट इंजॉय करती हूं। हाँ सर, जब भी कवाली नाइट होनी है, कवाली नाइट देख के फिर हम जाएंगे। पता मैंने सुना कवाली नाइट पर भी खाना मिलता है। पता हाँ मिलता है, कवाली नाइट पर खाना मिलता है। हमारी दफा मिला था वो, ये खाना मिल गया। हाँ अब हो गया फिनिश। हाँ क्वाई नाइट, क्योंकि आप हिलना जुलना। हाँ हिलना जुलना फिर डायरेक्ट कैसे पापा ने, आपने फिर आज फुल फन करना ठीक है। ये तुम्हारा भाई है छोटा? हाँ अब ये तुम्हारा भाई लग रहा है। क्या पूछ रहे थे तुम लोग इससे क्वेश्चन? इब्राहिम ये प्यारी है? नहीं। मैं प्यारी हूँ? देखा लड़कियों से पूछो, लड़कियाँ तरीके से, हमें लड़कों की तरीके की जरूरत भी नहीं है ना। और क्या, मम्मा के फोन से ब्लॉग बना रही, मेरा फोन हो गया बंद। अब हमारी सारी कवारिश वाली खत्म हो गया, अब निकल रहे हैं सब घर, सब मिल मिल रहे हैं, तो अब घर चलते हैं और फिर घर जाके मैं आप लोगों को बता दूँ ठीक है। सो लेट्स गो। चलो यार अब मिलते हैं घर जाके। ओके गाइस, फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। मैं बहुत थक गई, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो बाय बाय, होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।